सबसे पहले मनीष जी कैसे हैं आप? अभी कोविड हुआ था कुछ दिन पहले, कैसा रिकवर कर रहे हैं? बढ़िया। मुझे कोविड तो हुआ था, जैसे मुझे कोई सिम्टम नहीं आया था तो मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो मैं तो काफी हो गया था। अच्छा, बाकी एथलीट्स जैसे आपके पहचान में भी एथलीट्स होंगे जिनको मतलब कोविड से प्रॉब्लम्स हुई होंगी बहुत सारी, तो मतलब कैसा सिनेरियो था उस समय, मतलब जब स्पाइक पे था कोविड तब? हाँ, क्योंकि काफी मेरे जो दोस्त में उनको हुआ था, तो उनको क्या था कि उनको थोड़ी ज्यादा ही तकलीफ हो गई थी, उनको जैसे बॉडी पेन, फीवर, गले में दिक्कत, तो उनको रिकवर होने में टाइम लगा। तो जब भी उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो जल्दी थका महसूस करते थे अपने आप को, पर मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, मुझे कोई सिम्टम नहीं आए और ना मुझे कोई ज्यादा वीकनेस हुई, तो मैं जल्दी रिकवर कर गया। अभी तैयारी कैसी चल रही है टोक्यो ओलंपिक्स की? वो तो बढ़िया तैयारी चल रही है, हमने आईट लिया है ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे जैसे काफी कंट्रीज आई हुई हैं ट्रेनिंग के साथ में, तो हमें अच्छे पार्टनर मिल जाते हैं, तो इससे हमारी ट्रेनिंग काफी अच्छी हो रही है। अभी जो ASBC बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो आपने मिस करी, तो आपको लगता है कि मतलब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस टाइप का आपको मतलब एक लैक करेंगे आप ओलंपिक्स में जाने से पहले? हाँ बिल्कुल, अगर ये खेलता तो मेरे लिए भी फायदेमंद रहता, क्योंकि जो हमारे जो एशिया के जो जो क्वालिफाई किए हुए बॉक्सर थे वो सभी आए थे, उन्होंने सभी ने हिस्सा लिया था, तो मैं उनके साथ खेलता, उनके साथ कम्पीट करता, तो मुझे पता चलता कि मेरी तैयारियाँ कहाँ पे चल रही है, वो किस लेवल पे है। तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा इंडियन टीम का, 15 मेडल्स उन्होंने लाए, तो उस पे मतलब आपका क्या रहेगा, मतलब एक अगर टेक देना चाहें आप? तो मैं ये इंडिया की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है एशियन चैंपियनशिप की, क्योंकि जो CP वो अब उससे पहले की तक की बेस्ट थी, तो मतलब इंडिया काफी अच्छा कर रहा है बॉक्सिंग में, और जिस हिसाब से इंडियन बॉक्सिंग टीम की परफॉर्मेंस चल रही है तो फ्यूचर में भी काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी, अभी आपके मतलब कांटेक्ट में जो यंगस्टर्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मतलब इंडिया की जो बॉक्सिंग टीम है और आने वाले जो अभी बाकी बॉक्सर्स हैं, आपको कैसा लगता है कि आने वाले समय में इंडिया क्या अचीव कर सकती है बॉक्सिंग में? बिल्कुल, बहुत अच्छा अचीव करेगी, क्योंकि जो जो भी जैसे कि हम थे, हमने किसी को देख के किया कि उन्होंने यहाँ तक मेडल जीते हैं, अब जैसे कोई नए लड़कों को प्रभावित करेगा कि उन्होंने वहां तक मेडल जीते, तो मैं उस लेवल को क्रॉस करूं, उस बैरियर को तोड़ूं, तो अगर कोई बैरियर फिक्स कर देते हैं, जैसे विजेंद्र सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो अब सभी यही चाहते हैं कि ब्रॉन्ज से आगे जाया जाए। जी, तो अभी कुछ समय पहले PM मोदी जो है हमारे, उन्होंने मन की बात कही थी, तो उसमें आपका भी उन्होंने जिक्र किया, आपने वो सुना था? सुना था जी। कैसा आपको फील हुआ, मतलब उस समय PM मोदी ने आपको संबोधित किया, कैसा लगा? गर्व का पता कि PM नरेंद्र मोदी जी वो अपने मन की बात में, मैं और मेरे जैसे कई खिलाड़ी हैं जो मध्यम परिवार से, उन्होंने उनकी जो स्ट्रगल की कहानी दिखाई, तो ये काफी दिलों को छुई, जैसे इससे हम मोटिवेट हुए हैं, ताकि जो ओलंपिक से पहले उन्होंने हमारे बारे में जिक्र किया, तो हम ओलंपिक में चाहेंगे कि अच्छा प्रदर्शन करें और देश का नाम रोशन करें। मोटिवेशन की आप बात कर रहे हैं, छोटे से गांव शहर से आने वाले जो बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं, तो आपका पर्टिकुलरली क्या मोटिवेशन रहा था जब आपने सोचा कि आपको आगे स्पोर्ट्स में कुछ अचीव करना है? मैं जहाँ से आता हूँ जो भिवानी, वहाँ पे मतलब स्पोर्ट्स का काफी क्रेज है, स्पेशली बॉक्सिंग का, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर पहले की बॉक्सिंग उठा के देख लोगे तो आप वहाँ से काफी अच्छे स्पोर्ट्स में रहे हैं पहले भी, जैसे कैप्टन स्वर्गीय कैप्टन नवाज सिंह का नाम ले लीजिए, क्योंकि वो अर्जुन अवार्डी भी रह चुके हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी, उन्होंने बॉक्सिंग में भी अच्छा किया काम किया, और फिर तो उन्होंने कोचिंग देना स्टार्ट किया तो उसमें भी काफी अच्छा काम किया, और उन्होंने कई खिलाड़ियों को निकाला अपने भिवानी से, तो मतलब भिवानी में काफी अच्छा क्रेज है बॉक्सिंग का के प्रति, और काफी मेडल्स आए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। आपके पर्टिकुलरली कौन थे रोल मॉडल मतलब बॉक्सिंग में आने के लिए? इंद्र सिंह हुआ, अखिल कुमार हुआ, दिनेश कुमार हुआ, जितेंद्र कुमार, क्योंकि ये 2008 में ओलंपिक खेले थे, तो उस टाइम एक चार या पांच एक ओलंपिक खेलना, वो भी एक सेम स्पोर्ट्स में, तो ये काफी वो रहता है कि सब जगह चर्चा में रहती है कि वही बॉक्सिंग के चार, पूरी इंडिया से 5 गए थे और 4 भिवानी से गए थे।
आप जब अपने मतलब एक तरह से अपने रोल मॉडल से जब आप कभी अगर मिलते थे तो आपको कैसी फीलिंग रहती थी? मतलब एक होता है ना कि मेरे रोल मॉडल से आज मैं मिल लिया, तो कैसी बातचीत कैसी रहती थी आप लोगों में? नहीं पता, क्योंकि ये तो उस टाइम के जो स्टार खिलाड़ी थे वो कभी कभार ही आते थे, जैसे तो बस इनको देखते, क्योंकि ये ज्यादातर अपनी ट्रेनिंग के लिए नेशनल कैंप में या फिर बाहर ही रहते थे। ओके, तो उस तरीके से कोई इंटरेक्शन अभी तक नहीं हुआ है आपका? टाइम पे नहीं, और उसके बाद तो होने लग गया, जैसे अब तो थोड़ी बातें हो जाती, जैसे जो जितेंद्र कुमार वो खुद हमारे गांव से हैं, जी 2008 में ओलंपिक खेल रहा था, तो उनसे भी मेरी बातें हो जाती हैं। जो दिनेश सांगवान है, जो उनसे भी जी बात हैं, और जितेंद्र सिंह है, एक दो बार इनसे भी बातें हुई हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में आपको सिल्वर मेडल मिला, उसके बाद अर्जुना अवार्ड मिला आपको 2020 में, फिर आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल मिला। आपकी लाइफ, जी 2019 में, तो आपके लाइफ की अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट आप क्या देखते हैं? मैं सबसे अचीवमेंट पहले अपने कॉमनवेल्थ को ही देखता हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला इतना मेजर कंपटीशन था, इतने बड़े लेवल पे मैं उससे पहले कभी खेला नहीं था, तो ये कॉमनवेल्थ मेडल मेरे लिए काफी वो मोटिवेट साबित हुआ। इससे मैं काफी उत्साह मिला और मुझे आने वाले फ्यूचर में भी अच्छा करने की हिम्मत हुई। और जैसे 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये मैं इस मेडल से मैंने ओलंपिक के बारे में सोचा, क्योंकि अगर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे प्लेटफॉर्म पे मेडल जीत सकता हूँ तो वर्ल्ड में भी अच्छे अच्छे बॉक्सर आते हैं, फिर मैं ओलंपिक में भी अच्छा कर सकता हूँ। नेशनल चैंपियनशिप 2017 में आपने शिवा थापा को हराया, तो उस समय आपके मन में मतलब कैसा था कि मैंने एक डिफेंडिंग चैंपियन को हराया है इस बार, तो कैसा लगा था उस समय आपको? मुझे काफी अच्छा लगा था, क्योंकि शिवा थापा इंडिया के जाने माने बॉक्सर हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, ओलंपियन हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। अगर मैं उनको कहीं कहीं रहता हूँ तो मुझको ये लगता था कि अगर मैं इनको रह सकता हूँ तो मैं भी इनकी तरह बॉक्सिंग में काफी अच्छा कर सकता हूँ। विजेंद्र सिंह जो है, जैसे मैरी कॉम है, विजेंद्र सिंह है, ये सब मतलब बॉक्सिंग का एक जाना माना नाम है इंडिया में, तो आप इन लोगों के बारे में पर्टिकुलरली आपकी क्या राय है? जैसे कि इन लोगों ने इंडियन बॉक्सिंग के लिए जो भी अचीव किया है अब तक, मतलब वो ही एक टॉर्च बियरर है इंडियन बॉक्सिंग में। क्योंकि अगर ये अगर इतना अचीव नहीं करते, अगर ये सब नहीं जीतते, तो हम जो जो नए खिलाड़ी थे उनको कोई वो नहीं मिलता कि हमें क्या करना है। जैसे विजेंद्र सिंह ने मेरी को ओलंपिक मेडल जीता, उसके बाद लोगों की सोच बढ़ने लगी कि हम भी जीते, वरना पहले ही सब यही सोचते थे कि जैसे पार्टिसिपेट करें ओलंपिक, और ओलंपिक पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ा वो हो जाता है अपने आप में। पर अब जैसे इन्होंने मेडल जीता तो सभी मेडल की तरफ सोचते हैं कि ये जीत सकते तो हम क्यों नहीं जीत सकते। अभी ओलंपिक्स में जाते जाते हुए आपने जैसे देखा, 2008 में हमने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2012 में हमने, फिर मैरी कॉम ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2016 में हमने मेडल नहीं जीता और ये बॉक्सिंग। अब 2020 में जाते हुए आपको क्या लगता है जो हमारी बॉक्सिंग टीम है वो कितने मेडल ला सकती है? ये 2020 जो जो टोक्यो ओलंपिक होगा, ये अब तक का जो ये बॉक्सिंग का बेस्ट प्रदर्शन रहेगा यहाँ पे। आप कॉन्फिडेंट हैं इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो आपको हमारे जो काफी खिलाड़ी हैं वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप में चल रहे हैं, टॉप 5 में कई, तो काफी अच्छा रहेगा हमारा रिजल्ट। और जिस हिसाब से मेहनत चल रही है और पिछले कुछ सालों से हमारी परफॉर्मेंस रही है, उस हिसाब से ये टोक्यो ओलंपिक बॉक्सिंग का बेस्ट रहेगा अब तक का। सपोर्ट कैसा है आपको, पीछे से गवर्नमेंट का सपोर्ट कह लें या फिर अपनी फेडरेशन का सपोर्ट कह लें, सपोर्ट कैसा रहा है आप लोग के लिए? क्योंकि ये समय अभी कुछ दिन पहले तक ठीक नहीं था, लेकिन उसके बाद जब से समय थोड़ा सा सही रहा, वैक्सीनेशन शुरू शुरू हुई, उसके बाद से मुझे जैसा मैं फील करता हूँ कि आप लोगों को सपोर्ट ज्यादा मिला उस समय से ये मुताबिक। के और फेडरेशन के स्पोर्ट्स के बिना सपोर्ट के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने काफी सपोर्ट किया हमको। जैसे कोरोना के में हम सबकी ट्रेनिंग इफेक्ट हो रही थी, तो इन्होंने स्पेस खिलाड़ियों के लिए कैंप लगवाए, कैंप शुरू करवाए ताकि वो ट्रेनिंग कर सकें, और उनको जिस भी चीज की जरूरत होती थी वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं कि, और उन्होंने नंबर भी दिए हैं अपने, अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत है, कुछ भी चीज आपको चाहिए या कुछ प्रैक्टिस के रिगार्डिंग कोचिज कुछ भी हो, आप हमको मेल लिखें या फोन पे बताते हैं आपको, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको ये जो इशू है वो सॉल्व हो। आप अभी इंडिया के लिए ओलंपिक्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं, कैसी फीलिंग है? मतलब आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बेस्ट ही एक्सपेक्ट करते हैं ऑब्वियसली, बट फिर भी इस चीज को आप बताइए।
मैं अपने आप से यही करता हूँ कि मैं जब वापिस आऊँ तो मैं मेडल के साथ वापिस आऊँ, क्योंकि हमारे सरकार है जो वो खिलाड़ियों पे काफी खर्चा कर रही है और लोगों की काफी उम्मीदें हैं हमसे, तो हम चाहेंगे जी कि लोग कटोरा उतरे, क्योंकि सरकार हमको जैसे हम कहीं भी मेडल देते हैं तो पैसे देती है, नौकरियां देती है, सब कुछ देती है, तो हमारा भी बदले में बनता है कि हम भी सरकार को वापिस में कुछ रिटर्न करें। पहला ओलंपिक से आपका प्रेशर लग रहा है कि प्रेशर है थोड़ा अच्छा परफॉर्म करूंगा डेब्यू में, ऐसा ऐसा कुछ? क्योंकि ओलंपिक में मेरा पहला पैसे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कुछ बता नहीं सकता कि वहां पे जाके क्या होगा, पर फिलहाल मुझे कोई प्रेशर नहीं है। इंडिया की ओवरऑल ओलंपिक्स परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं कि इस साल ओलंपिक्स में इंडिया किन गेम्स में अदर देन बॉक्सिंग, बॉक्सिंग का आपने बताया, अच्छा कर सकती है? काफी गेम्स हैं जो भी खिलाड़ी क्वालिफाई हुए अपना चाहेंगे सभी अपना बेस्ट करें, पर जैसे पिछले काफी समय से जैसे बॉक्सिंग हुई, रेसलिंग हुई, शूटिंग हुई, क्या नाम है, बैडमिंटन हुआ, इनमें काफी अच्छे मेडल्स आए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी, और मेजर कॉम्पिटिशन जैसे ओलंपिक्स हैं इसमें भी, जो लास्ट ओलंपिक्स उनमें भी वेट उसमें क्या नाम रेसलिंग में बैडमिंटन में इनमें मेडल आते रहे हैं, तो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए ओलंपिक सभी गेमों के लिए। 63 केजी वेट कैटेगरी में आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर आपको कौन लगते हैं? मेरी वेट कैटेगरी में सबसे अच्छा कॉम्पिटिटर मुझे क्यूबा का लगता है, जो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिनके साथ आ रहा था। ओके, तो आपकी क्या मतलब आपकी क्या स्ट्रेटेजी है कि आप बड़े से बड़े रेसलर, मतलब एक आपके पास आपकी कुछ पर्सनल स्ट्रेटेजी है जिसके हिसाब से आप किसी भी रेसलर को ये कर सकते हैं, मतलब डिफीट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो भी हमारे जो अपोनेंट है वो सभी अलग अलग टाइप के होते हैं, एक आप सभी के साथ एक खेल सकते, कोई अटैकिंग ज्यादा कोई डिफेंडिंग ज्यादा होता है, उसके हिसाब से अपने जो स्ट्रेटेजी और गेम चेंज करना पड़ता है। तो अभी प्रिपरेशंस के हिसाब से आप क्या कहते हैं कि भारत जो है वो प्रिपरेशंस के हिसाब से कहाँ स्टैंड करता है बाकी दुनिया से, अगर आप कंपेयर करें? आपने देखा होगा कि बाकी रेसलर्स कैसे ट्रेनिंग करते हैं, क्या करते हैं, बाकी बॉक्सर्स कैसे करते हैं ट्रेनिंग वगैरह, आपको मतलब जानकारी होगी थोड़ी सी, तो आपको क्या लगता है इंडिया का जो सिस्टम है उनके सिस्टम से कितना डिफरेंट है? देखो जी, पहले का तो मैं कह नहीं सकता, पहले की मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी, पर अब जैसे मैं सीनियर लेवल पर अब आया हूँ जैसे बाहर का, तो अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी सरकार काफी अच्छा कर रही है और हर जो गेम उसके साथ फॉरेन कोचेज भी हैं, जिससे हमें जो फॉरेन की जो कुछ टेक्निक्स हैं और जो फॉरेन का जो जैसे ट्रेनिंग करने का जो तरीका है उस हिसाब से वो हमारी कराते हैं, तो इससे हमें थोड़ा वो उनको पता चलता है कि वो कैसे क्या ट्रेनिंग करते हैं, कैसी कैसे उनकी सोच है। ग्रास रूट लेवल पे क्या सिस्टम है हमारे यहाँ पे, मतलब टैलेंट पहचानने का, जिसके हिसाब से मतलब आप आपको जिस हिसाब से ये किया गया टैलेंट आपका पहचाना गया, वैसा क्या एक सिस्टम है उस हिसाब से? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, इन्होंने जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में अपने जो हॉस्टल से बनाए हुए हैं, मैं भी 5-6 साल तक उसमें था, 2010 में मैं सिलेक्ट हुआ था, 2010 से 2015 तक वहां रहा, उसके बाद में जॉब लग गया, तो ये काफी जरूरी है क्योंकि वहां पे हमको सारी सुविधाएं मिलती है, अच्छे कोचेज मिलते हैं, रहने को मिलता है, अच्छा खाने को मिलता है, अगर उस लेवल पे अगर मिल जाए तो काफी अच्छा कर सकता हूँ आगे, अगर बेसिक अच्छा हो तो। मतलब किसी भी बड़े स्पोर्ट्समैन की लाइफ को अगर हम उठा के देखें तो एक छोटा या बड़ा सेटबैक रहता है, आपकी लाइफ में ऐसा कोई सेटबैक था? मतलब ऐसा कुछ जिससे आपको डीमोटिवेटेड फील हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे करूंगा आगे, ऐसा कुछ आपको कभी लगा अपनी जर्नी में? पहले जैसे शुरुआत की तब तो मेरी इतनी सोच भी नहीं थी कि मैं यहाँ तक कुछ कर जाऊंगा, पहले जैसे हम मीडियम फैमिली से आते हैं तो सभी की घर वालों की सब यही सोच रहती है थोड़ा अच्छा कर लें तो जो वो जॉब का हो जाए कुछ, फिर सभी अगर अच्छा करने लगते हैं तो फिर हम आगे सोचते हैं, तो जैसे वैसे ही मेरे साथ हुआ, पहले मेरी इतनी कोई सोच नहीं थी, पर जैसे जो मेरे जो साथ के जो खिलाड़ी थे जो सीनियर थे वो काफी अच्छे थे, उन्होंने काफी मोटिवेट किया, उनको वो मुझको शुरू से ही बोलते थे जो तुम्हारी तो खेलने की स्टाइल हो काफी अच्छी है, तो मतलब आप आगे तक जा सकते हैं बॉक्सिंग में। तो इस हिसाब से मतलब आप आपने जब शुरू किया था अपनी जर्नी शुरू की थी तो आपको सपोर्ट किस तरह का था, आपके घर से या फिर आपके फ्रेंड्स जो थे बाकी लोग जो थे, सपोर्ट कैसा था आपका वहां पे? काफी अच्छा था, पॉजिटिव था, क्योंकि मेरे वैसे मेरे घर में इससे पहले कोई स्पोर्ट्स में था नहीं, मतलब प्रोफेशनली तरीके से, वैसे नॉर्मली तो वैसे करते हैं फिटनेस के लिए,
वैसे प्रोफेशनल तरीके से कुछ नहीं, पर फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि एक तो हमारा गांव, जैसे मैं गांव से रहता हूँ, देवसर गांव जी मेरा भिवानी के पास है, 10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो सपोर्ट किया क्योंकि हमारे आसपास, क्योंकि खेलों का रुझान था, तो जानते थे कि स्पोर्ट्स में भी अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है, तो फैमिली से कोई दिक्कत नहीं हुई। और ऐसे फिर मेरे दोस्त और जो सीनियर खिलाड़ी थे जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करने गया, वो काफी हेल्पफुल थे, उन्होंने काफी मदद की, कोई टेक्निक थी जो मैं नहीं कर पाता था वो बताते थे, मैं उनसे पूछता था, जो कोचिज थे वो भी काफी मददगार थे। अभी जैसा जैसा सिचुएशन है, उसमें आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इंडिया बॉक्सिंग, पर्टिकुलरली बॉक्सिंग में किस हिसाब से परफॉर्म कर पाएगी? जैसे कि अभी अभी भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे लोग अवेयर नहीं है उतना ओलंपिक गेम्स के, पर्टिकुलरली कुछ कुछ स्पोर्ट्स से, बट हाँ बाकी जगह पे अवेयर हैं। जैसे कि इंटरनेशनली ये बहुत ज्यादा अवेयरनेस है इस बारे में कि ओलंपिक्स में स्पोर्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, कैसा होता है, पर इंडिया के अभी भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कुछ लोग अवेयर नहीं है उतना कि ओलंपिक कितनी बड़ी चीज है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब क्या कि हमारे जिसमें एरिया से, यहाँ तो बहुत अवेयरनेस है स्पोर्ट्स को लेके खासकर। उधर का एक्सपीरियंस कैसा है इटली का, कि जैसे आप वहां पे रह रहे हैं तो उधर में सारी सुविधाएं हैं, सब अच्छा है सब कुछ? हाँ जी, वो ये तो खाने की थोड़ा दिक्कत आती है, अच्छा क्योंकि रोटी है वो यहाँ पे नहीं होता, पर राइस मिल जाती। आपका डाइट वगैरह सब सही चल रहा है वहां पे? तो सब सही चलता है। वैसे हम लोग कुछ लेके अपने घर से भी, क्योंकि पता था कि आते रहते हैं तो पता है क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो पहले अपना इंतजाम करके आए। चलिए मनीष जी, ठीक है, हम लोग, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा आपसे, हम लोग दुआ करें कि आप एक मेडल लाएं इंडिया के लिए, और गोल्ड मेडल लाएं तो और ज्यादा सब खुश होंगे। जी।